शहर सहित आसपास के जिलों में मॉनसून की पहली बारिश के बाद जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मौसम में बदलाव का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दिन में सूरज आग उगल रहा है तो वहीं शाम ढलने पर उमस वाली गर्मी से लोग बेहाल है। अधिक गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को टाइफाइड, डायरिया जैसी संक्रमण बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। इसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस मौसम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सीजनल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वहीं सर्दी जुकाम के साथ फीवर से शरीर में दर्द की शिकायत हो रही है। कंधे, कमर, घुटने और पैर सहित ज्वाइंट वाले जगहों पर अधिक दर्द हो रहा है। यहां तक फीवर आ जाने के बाद कई दिनों तक शरीर में भारी कमजोरी महसूस होती है। तो वहीं इस बारे में जब मेडिसिन विभाग HOD डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया, जिस तरह से मौसम इन दिनों चल रहा है उसे देखते हुए मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है। इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य और खान पीन के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं ज्यादातर लोगों को टाइफाइड की शिकायत है। डॉक्टर ऋचा गिरी बताती है कि टाइफाइड का बुखार तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों और पानी का सेवन करता है जिसमें एस टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप क्या खा पी रहे हैं इसका ध्यान अवश्य रखें। इतना ही नहीं, यदि बीमारी के लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर को लगेगा या टाइफाइड हो सकता है तो वह कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि अधिक तापमान के कारण भी कई बीमारियां सक्रिय हो गई हैं। वहीं डॉक्टरों की माने तो हर 10 केस में 5 लोगों को टाइफाइड के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा वायरल फ्लू, डायरिया आदि रोगों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। अधिक गर्मी के कारण बच्चों में खसरा रोग की शिकायत देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।